हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है अलविदा, आप सब लोगों को अलविदा बोलना चाहिए मुबारक हो। और आज जो है वो अभी सुबह का सारा काम वाम सब हो गया, देख सकते हैं आप, सारा काम जो है वो हो गया। और अब जो है कपड़े धो के आई हूँ, लेकिन अब नहाने जाने से पहले मैंने सोचा कि हाँ सिलाई कर लूँ। तो मैं अभी बैठी हूँ सूट सिलने के लिए, इसकी सलवार जो है वो सिल ली, अब ये सूट सिलूँगी, उसके बाद फिर नहा दूँगी, फिर नमाज करेंगे, तो आगे का रूटीन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैंने ये सूट उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं नहा के आ गई थी। अब नहाने के बाद मैं आज लगाऊंगी ईतर। तो सबसे पहले मैं यहाँ ईतर ले लिया है मैंने, तो ये ईतर लगा लूँगी। और आप लोग के ईद की तैयारियाँ हो गई, मतलब ईद की शॉपिंग हो गई या नहीं हो गई कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ अम्मी बैठी हैं, कुशन्स कवर सिलनी है, अम्मी ने कपड़ा निकाला था उसके लिए कुशन कवर सिलनी है यहाँ पे। और मैं भी बैठ गई, यहाँ सिलाई का सूट है, तो उसका जो है सलवार जो है वो मैंने पहले सिल ली थी, अपने वीडियो में देखा था। और आज जो है वो मैं उसका सूट सिल के कंप्लीट करके दे दूँगी। तो मैंने सोचा फ्री हूँ तो इस टाइम में मैं जो है सूट जो है सिलाई का सिल के दे ही देती हूँ। क्यों काटने आ रहा है? इधर देख, सीधा खड़ा हो। ये देखो कैसे काटने के लिए जा रहा है। ना खाली नाच रहा। क्यों ज्यादा काटने का हो रहा है? तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है, टाइम हो रहा है 5:30 और इफ्तार का टाइम है 6:35 का। हम लोग अभी बैठे हुए हैं और अभी कुछ भी नहीं बनाया है, आज इफ्तार ही में जाना है। और मुर्गी ये देखो कैसे टहल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बगीचे में आ गई थी अपना ब्लॉग जो है वो एडिट करना, मतलब उसमें वॉइस ओवर के लिए यहाँ बगीचे में आ गई थी। तो यहाँ मेरा ब्लॉग जो है वो एडिट हो चुका है और अभी जो है वो बहुत अच्छी जो है बगीचे में हवा चल रही है और साथ ही साथ घर के अंदर सारा कूड़ा भी जा रहा है। इफ्तारी है, हम लोग भी पास में जो है इफ्तारी वहाँ जाएंगे, तो खाना हम बना नहीं रहे, खाना क्योंकि रखा हुआ भी है तो सब लोग कोई खाने वाला नहीं, इसलिए खाना भी नहीं बना रहे हैं। और देख सकते हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे जो है वो लीची के और आम के पेड़ों में जो है वो बौर आई है, वो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है किसका पेड़, आप लोग कमेंट में बताना ये किस चीज़ का पेड़ है। मैं आप लोग को अच्छे से इसकी पत्ती दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग कमेंट में बताना ये किस चीज़ का है। ये वाला मैं बता दे रही हूँ, ये ककड़ौंदा का पेड़ है। और ये वाला आप लोग कमेंट में बताना ये किस चीज़ का पेड़ है। और हवाएं देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा चल रही है ना हवाएं, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। ये चकोतरे का पेड़ है, अभी इसमें लग नहीं रहे हैं, जब लगेंगे तब आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इसमें मुझे घेर लिया, ये जाने नहीं दे रहा, बहुत मारूंगी तो मैं बच गई मैं तो। देखो पहचान ही नहीं रहे। और ये देखे, ये आम का पेड़ है, इसमें बोर आई है, मतलब बोर आई है। और ये है लीची का, सब नमाज का टाइम हो गया, हम लोग जो है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। उसके बाद अभी मैं इफ्तारी में भी जाना है, अम्मी जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गई हैं, अब मैं भी जो है वो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। 1 hour later ये था इफ्तारी से आने के बाद का टाइम, जो कि मैं खाने में खा रही हूँ ये मुर्गे की शामी टिक्के जो कि चच्ची ने बनाई थी, तो उन्होंने दे दी थी, तो मैं वही जो है खा रही हूँ रोटी से। तो ये हो जाएगा मेरा आज का डिनर। द नेक्स्ट डे, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, जो कि आज हमारे घर में है इफ्तारी। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले तो ये जितना भी सुबह उठ के सबके घर का काम होता है ना, सब समेटना, अच्छे से बेडशीट वगैरह सब सही करना, तो यहाँ सारा काम मैं सुबह का जो है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर आज इफ्तारी घर में है, उसकी तैयारी भी करनी है। और यहाँ 9 बज गए हैं
और सारा भी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, मतलब झाड़ू वाड़ू भी कुछ नहीं लगी है, बेडशीट मैंने हटा दी है, अब इसको झाड़ के जो है वो बिछा दूंगी और फिर जो है वो घर का काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा सब। और इतनी देर देर में हमारे घर में तो लोग सो के उठ रहे हैं, बताएं। तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, बहुत ज़्यादा धूप क्योंकि बहुत आ गई है, और अब जो है वो काम सारा घर का हो गया है। टाइम देख सकते हैं 9:45 होने वाले हैं, और अब जाके जो है वो घर का सारा काम हो गया है, और अब जो है वो मैं चने उबलने रख दूंगी। तो अब जो है वो मैं चने उबलने रख देती हूँ, चने जो है वो रात में भिगो दिए थे और अब चने उबलने रख दूंगी। तो ये चने जो है रात में मैंने भिगो दिए थे, अभी फूल गए, इसको उबाल देंगे। आलू छीलने हैं, अभी काम बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स चने जो है वो उबलने रख देंगे, इसमें हल्का सा सोडा डाल के फिर उबाला है, और आंगन जो है वो सारा धो दिया है, इधर से धूल बहुत आती है इसलिए यहाँ की मिट्टी दबाने के लिए यहाँ भी पानी जो है वो डाल दिया था। अब आलू उबलने रख देते हैं कुकर में। आज दिन में बनाऊंगी मैं, आज पहली बार बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। तो हमें तो खाना खाना नहीं था और मेरे को पसंद भी नहीं है चने की दाल की खिचड़ी, बाकी सब लोग घर में खा लेते हैं, तो मैंने आज सोचा कि आज चने की दाल की खिचड़ी ही मैं बना लेती हूँ। तो आज जो है वो चने की दाल की खिचड़ी में बना रही हूँ। यहाँ देखिए पकौड़े के लिए आलू प्याज जो है वो सब कट करके रख लिया था, सारा काम जो है पहले ही करके रख लिया था, बाद में हम जो है वो इसकी पकौड़ी बना रहे। बाद का जो है जो भी है वो मैंने शूट नहीं किया, मतलब पकौड़ी बनाते टाइम का शूट नहीं किया। तो यहाँ जो है वो पकौड़ी में बेसन मिला दिया था चाची ने, सारा बना मिला के रख दिया था, और मैंने यहाँ ब्रेड में आलू भर के रख दिए थे जिससे काम जल्दी हो जाएगा। और बाहर अम्मी ने जो है वो कढ़ाई में तेल गरम करने भी रख दिया था। यहाँ एक तैयारी का सारा सामान जो है वो रेडी हो गया, हम लोग ने प्लेटें भी जो है वो सारी बना ली थी, उसके बाद सारी बाहर जो है मैट बिछा के बाहर भी सारी लगा दी थी, और देख सकते हैं यहाँ बाकी की प्लेटें भी जो है वो बन रही थी, आधी बना के बाहर रख दी थी। और इफ्तारी के बाद का टाइम है, ये इफ्तारी हो गई थी, कुछ शूट नहीं किया था, खा पी के जो है वो लेट गए थे या खाना लेती थी। और यहाँ मैंने अपना जो है ब्लॉग सॉरी अपनी वीडियो जो मेरी पहले की वीडियो है स्टिचिंग की, तो वो मैंने अपने चैनल की जो है वो चालू कर रखी है। तो यही ब्लॉग जो है अपना मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।